उसकी रीजन ये कि डीएचए में डाउनफॉल जो सा आया है वो सिर्फ फाइल्स में आया, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी डीएचए में कहीं भी हो, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लाहौर में कहीं भी हो, वो अप्रिशिएट हुई है, बेहतर होना है। अगर इन सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखें तो इस वक्त सबसे एक अच्छा टाइम है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाजिर। आज इस वीडियो का मकसद है कि रियल एस्टेट मार्केट का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताएं और मार्केट की आफ्टर कोविड जो एप्रिसिएशन थी उसकी रीज़न क्या थी, और उसके बाद जो प्राइवेट सोसाइटीज़ मार्केट में आना शुरू हुई उनके रीज़न और उनकी जो मार्केट की एप्रिसिएशन उस मार्केट में उनका रिस्पॉन्स क्या था, और उसके अलावा मार्केट का डाउनफॉल क्यों हुआ, कब स्टार्ट हुआ, उसकी रीज़न क्या थी, और अब फ्यूचर क्या है मार्केट का, एक ओवरऑल वीडियो लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले कोविड के बाद बात करें कि कोविड के बाद मार्केट की एप्रिसिएशन क्यों हुई थी। उसकी जो पहली रीज़न थी वो ये थी कि गवर्नमेंट ने एमएसटी दी थी और रियल एस्टेट को, जिसमें रियल एस्टेट में कोई भी इन्वेस्ट करता था उसके उससे मनी ट्रायल और उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछते थे, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी कैश का इनफ्लो आया, और उस इनफ्लो की वजह से मार्केट में रेट्स काफ़ी बेहतर हुए थे। एक शॉर्ट टाइम के अंदर मार्केट में काफ़ी रेट्स उसके बेहतर हुए थे। कोविड के बाद तकरीबन कोई एक डेढ़ साल तकरीबन हमारी मार्केट बड़ी अच्छी चलती रही है, और मार्केट में क्योंकि बायर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, और जिसकी रीज़न गवर्नमेंट की मस्ती थी, रेट्स की अप्रिशिएशन काफ़ी रही उसकी। कोविड के बाद कुछ गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से और पॉलिटिकल जो से माहौल ख़राब होने की वजह से थोड़ी सी एक ब्रेक लगी, और दूसरी रीज़न ये थी कि एफएटीएफ की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा प्रेशर किया गया, रियल एस्टेट मार्केट में जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी थी उसे मनी ट्रायल डिमांड किया गया, और कुछ गवर्नमेंट ने डीसी रेट्स और एफपीआई रेट्स का इंक्रीमेंट किया, और साथ साथ जो उनसे वो पाकिस्तान की जो करेंसी डीवैल्यूएशन थी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनी। अब करेंसी डीवैल्यूएशन जो उनसी थी उसकी वजह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उन्होंने भी अपनी जो रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी इन्वेस्ट करते थे, इन्वेस्टमेंट अपनी शिफ्ट कर दी करेंसी में। लोकल मार्केट के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपनी करेंसी में शिफ्ट कर दी, क्योंकि वो एक अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छी उसमें हो रही थी। काफ़ी टाइम पीरियड जो था वो हमारी इस रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट इस रीज़न से रुकी रही। इस दौरान प्राइवेट सोसाइटीज़ पे काफ़ी आई उनका, मैं सिर्फ लाहौर की ही बात कर रहा हूँ, लाहौर और इसकी सराउंडिंग में काफ़ी प्राइवेट सोसाइटीज़ आई, और उनका स्टार्टिंग में मार्केट रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जब ये करेंसी डिवेल्यूएशन शुरू हो गई और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रियल एस्टेट से रिलेटेड पॉलिसीज चेंज होना शुरू हो गई, तो मार्केट में जो इन्वेस्टर था, लोकल इन्वेस्टर भी और ओवरसीज इन्वेस्टर भी, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक हो गया। ओवरसीज इन्वेस्टर का मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो शिफ्ट कर दी रियल एस्टेट से शिफ्ट कर दी करेंसीज में। लोकल इन्वेस्टर था उसने भी काफ़ी अपनी इन्वेस्टमेंट शफल की, और थोड़ा सा वो मार्केट सिनेरियोज़ की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से थोड़ा सा वो शेक हो गए। इसी वजह से प्राइवेट सोसाइटीज़ का थोड़ा डाउनफॉल शुरू हुआ। डीएचए को हम प्राइवेट सोसाइटीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी रीज़न ये कि डीएचए में डाउनफॉल जो सा आया है वो सिर्फ फाइल्स में आया, और फाइल्स के अलावा यहाँ पर डाउनफॉल नहीं आया। ऑन ग्राउंड डीएचए जो सा है, फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8, फेज़ 9, और अगर हम फेज़ 1-5 भी बात करें, तो इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर मार्केट अप्रिशिएट ही होती रही है। यहाँ पे जो कह लेंगे प्लॉट प्राइसेस थी, घरों की प्राइसेस थी, वो काफ़ी इंक्रीज हुई हैं। डाउनफॉल सिर्फ और सिर्फ डीएचए में हमारा जो फाइल्स से रिलेटेड और एफिडेविट्स वगैरह जो से इस तरह के हमारे अपॉर्चुनिटीज थी उनके रेट्स जो से माइनस हुए हैं। एक सबसे बड़ी जो रीज़न थी वो ये थी कि जो मार्केट में जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन बायर जो है वो हमेशा रहता ही रहता है। अब जिसने अपना घर लेना है, जिसने अपना प्लॉट लेना है, वो यहाँ पे मार्केट में डीएचए में उन्होंने अपनी बाइंग की है, डीएचए में उन्होंने अपने घर लिए हैं, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड डीएचए जो है वो उसमें रेट्स बेहतर होते रहे हैं, उसके रेट नीचे नहीं गए। अगर हम आज भी बात करें, पिछले 2 साल से तकरीबन मार्केट में जो है रियल एस्टेट मार्केट में काफ़ी कह लें कि स्लम्प है, उसके बावजूद सिर्फ एक एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो फेज़ 6 में आपका जो उनसे तकरीब कम व बेश 70-80 लाख रुपए एक किनाल के प्लॉट के इंक्रीमेंट आया, 1 करोड़ तक भी गया, डिपेंड करता है लोकेशन पर कहाँ पे जो उनसे ना वो आपका प्लॉट है।
तो रेट्स डीएच में बेहतर हुए हैं। आगे हम इसको किस तरह देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अभी तक रियल स्टेट का जो सेक्टर है अभी तक ये डीवैल्यू है। अगर हम अपनी करेंसी के हवाले से देखेंगे, पाकिस्तानी करेंसी काफ़ी डीवैल्यू हुई है, उसकी उसका इफेक्ट हमारा तकरीबन हर चीज़ पर निकल गया। हमारे यहाँ पे जितने भी कह लें कि जैसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर हम बात कर लेते हैं, सीमेंट है, सरिया है, ईंटें हैं, या हम और किसी भी सेगमेंट की बात कर लेते हैं, हर चीज़ में उसका एक इफेक्ट निकल आया। रियल स्टेट एक वाहिद वो सेगमेंट है जिसमें अभी तक पाकिस्तानी करेंसी के जो डिवेल्यूएशन थी उसका 100% इफेक्ट नहीं आया। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट जो थी वो 40-50% अंडर वैल्यू है, जिसका इफेक्ट निकलना है। कब निकलना है थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि हमारे पॉलिटिकल मामला जैसे बेहतर होते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का इफेक्ट रियल स्टेट पर निकलना है। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि जब भी हम किसी मुल्क की इकोनॉमी को देखते हैं या जब भी हम किसी कह लें कि बेहतरी का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो या स्टॉक मार्केट होता है या रियल स्टेट मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट भी आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ अर्से से अच्छी उसमें अप्रिसिएशन हो रही है। रियल स्टेट मार्केट भी मैंने आपको बताया कि जो ऑन ग्राउंड है उसमें बड़ा एक अप्रिसिएशन होती रही है। उसकी परसेंटेज कम हो, उसकी रेशो कम हो, वो अलग बात है, लेकिन अप्रिशिएट होता रहा है। वो जो डाउन है वो या प्राइवेट सेक्टर हैं या फाइल्स हैं। ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी डीएचए में कहीं भी हो, ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी लाहौर में कहीं भी हो, वो अप्रिशिएट हुई है। इसका इफेक्ट वही मैं बात कर रहा हूँ कि अब जैसे ही थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, ये सियासी हालात बेहतर होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो पहला इफेक्ट जो उनका ना वो रियल स्टेट पर पड़ना है। और उसकी सबसे बेसिक रीज़न यही है कि ये अंडर वैल्यू है और रियल स्टेट एक ऐसा सेगमेंट है कि जो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का बैकबोन होता है। स्टॉक मार्केट में इफेक्ट निकल रहा है हमारा, वो अप्रिशिएट हो रही है, इसमें भी इंशाल्लाह ताला बेहतर होना है। अगर इन सारे सिनेरियोस को ध्यान में रखें तो इस वक्त सबसे एक अच्छा टाइम है रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने का। आप रियल स्टेट में कहीं पर भी करें, आप डीएचए में करें, आप लाहौर में किसी भी जगह पर करें, क्योंकि मार्केट डाउन है। मार्केट में जो है वो इंक्वायरी शुरू हैं, लोग पूछ रहे हैं, लोग जो है वो ओवरसीज़ भी हमारे पास इंक्वायरी आती रहती हैं। काफ़ी अर्से से लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट रीज़न आई थी, कभी करेंसी डिवेल्यूएशन, कभी जो सियासी हालात थे, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी हो रही है। तो इसलिए इस वक्त काफ़ी अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट का। आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, आप ऑन ग्राउंड जो सी रियल स्टेट के आपके अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अवेल करें। इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम के अंदर बड़ा एक अच्छा बेनिफिट होगा। जो हमारा एक गैप है, जो हमारा करेंसी रेगुलेशन का गैप है, रियल स्टेट की जो अंडर वैल्यूएशन का गैप है, वो मैं समझता हूँ कि अगले 6-8 महीने के अंदर बड़ी स्पीडली रिकवर करेगा। वो मज़ीद रियल स्टेट से मुतालिक कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे रब्ता करें। हमारे चैनल्स पे वीडियोस अपडेट होती हैं, उनको देखें। कोई भी आपका सवाल हो रियल स्टेट से रिलेटेड, नंबर हमारा आपकी स्क्रीन पर है, अब हमसे रब्ता करें। शुक्रिया।